बिहार में अगर आप राज्य के गृह सचिव को खोजने सचिवालय में जाते हैं तो वो अब आपको वहां नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि गृह सचिव का पता अब बदल गया है। सरकार ने गृह सचिव को मुख्य सचिवालय से बाहर कर दिया है। तो हमारी इस रिपोर्ट में आप गृह सचिव के नए ठिकाने के बारे में जान लें। बिहार के मुख्य सचिवालय में दो ही अधिकारियों के चैम्बर में पावर दिखता था, मुख्य सचिव या फिर गृह सचिव, दोनों के चैम्बर भी आमने सामने रखे गए थे, शायद इसलिए कि पावर आमने सामने के कक्ष में ही दौड़ता रहे। लेकिन सरकार ने अब गृह सचिव को मुख्य सचिवालय से बाहर कर दिया है। गृह विभाग के सचिव या प्रधान सचिव अब नए बने सरदार पटेल भवन में शिफ्ट कर दिए गए हैं। सरदार पटेल भवन राज्य का पुलिस मुख्यालय है। गृह सचिव पुलिस मुख्यालय में भी बैठेंगे, उनका चैम्बर वहां सज धज कर तैयार हो गया है। विकास आयुक्त को भी नया चैम्बर मिल गया है। राज्य की ब्यूरोक्रेसी में विकास आयुक्त का दर्जा नंबर 2 का होता है, यानी मुख्य सचिव के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी। मुख्य सचिवालय में विकास आयुक्त का चैम्बर अब तक ग्राउंड फ्लोर पर था, यानी पहले तल्ले पर बैठने वाले मुख्य सचिव के नीचे। सरकार ने अब गृह सचिव के पुराने चैम्बर को विकास आयुक्त को दे दिया है। अब मुख्य सचिव और विकास आयुक्त आमने सामने के कमरे में बैठेंगे। बिहार के मुख्य सचिवालय की स्थापना के बाद पहली दफे दो आलाधिकारियों के कक्ष को बदला गया है। दरअसल मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री का भी दफ्तर है। आलाधिकारियों के दफ्तर मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास रखे गए थे ताकि सीएम जब चाहे अधिकारी हाजिर हो जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने सारी व्यवस्था बदल दी। उन्होंने पहले तो अलग से मुख्यमंत्री सचिवालय बनवाया, फिर अपने आवास में इतने सारे दफ्तर बनवाए कि लोग याद ही नहीं रख पाते थे कि उनकी तादाद कितनी है। कैबिनेट की बैठक को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री शायद ही कभी मुख्य सचिवालय आते हों, लिहाजा अधिकारियों के चैम्बर कहीं भी हों, सीएम के कामकाज से उनका कोई वास्ता नहीं। नेक्स्ट9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।